हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको प्रतिदिन एक न्यू मेडिसिन की जानकारी देते रहते हैं दोस्तों। वैसे आज हम बहुत अच्छी मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम पंचामृत लोह गुग्गुल है दोस्तों। पंचामृत लोह गुग्गुल का हम क्या यूज कर सकते हैं दोस्तों, और किन किन बीमारियों के लिए हमें बहुत ज़्यादा लाभ प्रदान कर सकता है, पंचामृत लोह गुग्गुल के क्या डोजेज हैं दोस्तों, ये सब मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगी नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन करके रखिए, जिससे आने वाली हर एक आयुर्वेद मेडिसिन की जानकारी आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम मिलती रहे, और आप भी आयुर्वेद मेडिसिन का यूज कर सके, आयुर्वेद का बेनिफिट ले सके दोस्तों। आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, बीच में स्किप कर देते हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, वरना किसी भी मेडिसिन की प्रॉपर जानकारी नहीं हो पाएगी अच्छे तरीके से, तो आप किसी भी औषधि या मेडिसिन का यूज नहीं कर पाएंगे और प्रॉपर लाभ नहीं ले पाएंगे, बेनिफिट्स नहीं ले पाएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें दोस्तों। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, बात करते हैं पंचामृत लोह गुग्गुल की तरफ दोस्तों। शोधित पारद और शोधित गंधक से युक्त पंचामृत लोह गुग्गुल किसी भी प्रकार का वात का विकार हो, अर्थात जॉइंट पेन का प्रॉब्लम हो, अर्थराइटिस का जिसको प्रॉब्लम है, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से कार्य करता है दोस्तों। और मन्या कशेरुगात वात, अर्थात जिसको स्पॉन्डिलिसिस का प्रॉब्लम हो, पीठ के दर्द का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो, उसके लिए तो विशेष रूप से पंचामृत लोह गुग्गुल कार्य करता है दोस्तों। जिसको सर्वाइकल पेन कहते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस कहते हैं दोस्तों, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारा पंचामृत लोह गुग्गुल कार्य करता है। अब बाहुक जिसको प्रॉब्लम हो, ग्रसड़ी का बहुत ज़्यादा, जिसको घुटनों के दर्द का प्रॉब्लम हो, और वात नाड़ी का प्रॉब्लम हो, जिसके नाड़ी में वात की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, नाड़ी बिगड़ रही है, जिसकी वजह से नाड़ी में विकृति उत्पन्न हो रही है, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से कार्य करता है। सिर सूर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से कार्य करता है। मस्तिष्क से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, मस्तिष्क दुर्बलता का प्रॉब्लम हो, याददाश्त की कमी हो गई हो, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता हो, माइग्रेन का प्रॉब्लम आ रहा हो दोस्तों, उसके लिए भी पंचामृत लोह गुग्गुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से कार्य करता है दोस्तों। जिसके हाथ और पैर कांपते हो, उसके लिए भी कार्य करता है। जिसको हस्तपाद चिन्मय का प्रॉब्लम होता है, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से कार्य करता है। मांसोस के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से कार्य करता है। संधिगत वात के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से कार्य करता है दोस्तों। जिनको भी वात विकार का प्रॉब्लम हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस का प्रॉब्लम हो, कंधे का दर्द का प्रॉब्लम हो, मनके का प्रॉब्लम हो, संधिगत वात का प्रॉब्लम हो, अनिद्रा का प्रॉब्लम हो, नींद ना आ रहा हो, और सिर सूल का प्रॉब्लम हो, मस्तिष्क के दुर्बलता का प्रॉब्लम हो, याददाश्त की कमी की प्रॉब्लम हो, या सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता हो, किसी भी प्रकार के मस्तिष्क से संबंधित किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो, हाथ पैर में कंपन उत्पन्न हो रही है, कंप रोग उत्पन्न हो रहा है, गौरव का प्रॉब्लम आ रहा है, हस्तपात चिमचिपैन का प्रॉब्लम आ रहा है, उसके लिए आप पंचामृत लोह गुग्गुल का यूज कर सकते हैं। या रजत एवं अभ्रक भस्मयुक्त या गुग्गुल कल्प उत्तम वात शामक एवं मज्जा पोषक है, जो कि रसायन एवं वात नाड़ी बल्य है, और किसी भी प्रकार के वात अब बाहुक के लिए व्यात व्याधियों में अत्यंत रूप से बहुत ही बेहतरीन तरीके से कार्य करता है दोस्तों। और इसमें जो कंटेंट डाला गया है बहुत ही पावरफुल, मैंने बताया शोधित पारद है, गंधक है, रजत भस्म है, अभ्रक भस्म है, सुवर्णवाच्छिक भस्म है, लोह भस्म डाला गया है, शोधित गुग्गुल डाला गया है, और दशमूल से विशेष रूप से शोधित करके कटु तेल के द्वारा मतलब जितना आवश्यकता अनुसार इसको यूज किया गया है दोस्तों, और जो कि हमारे वात के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से कार्य करता है। जो भी वात रोगों से परेशान है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस से परेशान है, घुटनों के दर्द से परेशान है, संधिगत वात से परेशान है, सिर सूल से परेशान है, अनिद्रा से परेशान है, गौरव से का परेशान है, तो आप लोग एक बार पंचामृत लोह गुग्गुल का 2 से 3 गोलियां दिन में 2 से 3 बार दशमूला रेस्ट, महारस नादी काढ़ा या गर्म जल के साथ यदि आप लेते हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। किसी भी मेडिसिन का यूज करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर ले दोस्तों। बिना डॉक्टर की सलाह अनुसार किसी भी मेडिसिन का यूज नहीं करना चाहिए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।